ये अर्सला तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं। अब तुम आती जाती रहना, ठीक है? बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैं आऊंगी तुम्हारे ऑफिस। थैंक यू। वो तहसीन माजी नहीं नजर आ रही, कहाँ है? पता नहीं। काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है शाहराम, लगता है बहुत मसरूफ हो गए हैं आप। कुछ ऐसा ही समझे, आऊंगा किसी दिन जरूर। जरूर। ये बताएं, बीजान कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? वो मुल्क से बाहर हैं और बिल्कुल ठीक है। उनकी फिक्र करने की किसी को, मैं जूबिया हूं। बीजान मेरी ग्रैंड मदर है। और तहसीन माजी, बहुत देर हो गई है, चले। अच्छा शाहराम, हम लोग अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा तारुफ तो पूरा हो लेने दो। मैं शाहराम की होने वाली मंगेतर हूं। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। चले तहसीन माजी। क्या बात है अर्सला, हम दोनों को मुबारकबाद नहीं दोगी? वरना मुझे लगेगा कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुबिया। अब हम जाएं? शाहराम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया शाहराम। बहुत इज्जत देकर बात की थी मैंने अर्सला से, लेकिन वो ही मुझसे इतना चिढ़ रही थी। कितना कितना गुस्सा था उसके अंदाज में, तुमने तो नोट किया ही है ना। जो भी था जुबिया, तुमने जिस तरह अर्सला से बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम बेकार का गुस्सा कर रहे हो मुझ पर। उस अर्सला की आखिर हकीकत ही क्या है, क्या हैसियत है उसकी? चंद साल पहले हमारे घर में वो एक मामूली मेड की तरह आई थी। मैं चाहती तो ये बात उसे जता सकती थी, क्या इज्जत रह जाती उसकी पार्टी में, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अच्छा किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो, यही अच्छा रहेगा हम सबके लिए। हमारा घर आ गया। अंदर नहीं आओगे? अम्मी से तो मिल लो। अभी नहीं। अच्छा लगा। जाए थे सीमा जी। अर्सला, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हैरत ज्यादा हो रही है या दुख, लेकिन शाहराम को जुबिया के साथ देखकर मैं वाकई बहुत अपसेट हूँ। शाहराम उस लड़की को कैसे पसंद कर सकता है, हद हो गई है।
वो कजिन्स हैं तहसीन बाजी, उनके रिश्ते की बात तो बहुत पहले से चल रही है। तो फिर तो उनकी शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। नहीं, मैं नहीं मानती कि शहराम उस लड़की को पसंद कर सकता है। वो इतनी मगरूर और फजूल लड़की को जिंदगी भर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अरसला, शहराम बहुत बड़ी गलती कर रहा है। छोड़े ना तहसीन बाजी, ये उनका प्रॉब्लम है, हमें इससे क्या। तो जो चाहे करे। काश तुम दोनों किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचते। अरसला, काश तुमने उसे मुकम्मल तौर पर मायूस ना किया होता तो आज जो ना हो सका उसका ना होना ही बेहतर है तहसीन बाजी। और जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए, यही बेहतर है सबके लिए। खैर, अब हमें ऑफिस के लिए तैयार होना चाहिए। वो लड़की शहराम के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मैं कहे दे रही हूं। यकीन नहीं आ रहा, अरसला इतनी आगे बढ़ गई कि इतने बड़े बड़े लोगों से दावतों में बुला रहे। मैं तो समझती थी कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रही होगी। अम्मी, अगर आप उसको देखती ना तो हैरान हो जाती, पहचान ही नहीं जा रही थी वो। उसकी ड्रेसिंग, उसका स्टाइल, ऊपर से उसकी शक्ल है ही अच्छी, उस जैसा वहां पे कोई नहीं था। बेटा कपड़ों का क्या है, लोग तरस खा के कपड़े दे देते, अरसला को भी मिल गए होंगे। तो अपना दिल बुरा मत करो बेटा, वो तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। मी, वो उसके अपने कपड़े थे, तहसीन ऑर्गेनाइजेशन की हेड बन चुकी है वो। वहां पे हर कोई इससे मिलना चाह रहा था, हर कोई उसी की तारीफ कर रहा था जैसे कि वो कोई चीफ गेस्ट हो। ज़ोबी, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हारा आमना सामना ना हो उससे। मैं तो अल्लाह का शुक्र मांग रही हूँ कि तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, वरना शहराम को बेटा बहुत बुरा लगता। शहराम के बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी वो, झगड़ा उठाने की भी कोशिश कर रही थी वो, तो मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। ये तुमने अच्छा किया बेटा, शहराम तो वैसे ही चाहता कि हम उसे माफी मांगे। क्या, कैसी माफी, दिमाग खराब हो गया उसका, मैं बात करूंगी उससे। बेटा तुम जज्बाती मत हो, कभी कभी अपने फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं। तुम टेंशन ना लो बेटा। देखिए असगर साहब, मैं फिलहाल वहां नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है, मैं इस वक्त शहर से बाहर हूं, मैं कैसे समझाऊं आपको। ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कब तक आऊंगा। देखिए, मैं आपके इदारे को फुल पेमेंट दे चुका हूं, अब आपका फर्ज है कि आप उन्हें जिस तरह मर्जी संभालें, उन्हें समझाएं। मुझे बार बार फोन करके तंग मत करें प्लीज। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है अरसला कि तुमने ज़ूबिया के रवैये की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसके तंज का भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया। पता नहीं वो खुद को क्या समझ रही थी, मुझे तो उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे भी ज्यादा बुरा रवैया झेल चुकी हूँ मैं तहसीन बाजी, उन सब का। बहुत बुरा वक्त था वो, पैरों तले जमीन नहीं ठहरती थी, खौफ, जिल्लत, बेबसी। लेकिन अब मैं उन लोगों से नहीं घबराती। गुड, ये हुई ना बात, अब तुम वाकई बदलती जा रही हो अरसला। मेरी बीजान भी मुझे ऐसे ही देखना चाहती थी, मजबूत और बाहौसला। पता है, उन्होंने जिद करके मुझसे मेरे ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करवाया कि बस किसी तरह मैं कॉलेज में दाखला ले लूं। अच्छा है कि वो यहाँ नहीं होती, बस जहां भी हो खैरियत से हो, यही दुआ है मेरी। मेरी भी यही दुआ है।
इनका बीपी नॉर्मल है? जी जी बिल्कुल। तो सब ये बेड नंबर 4 है, इसे बहुत तंग किया हुआ है सबको, खुद भी डिस्टर्ब है और सब पेशेंट को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। बेड नंबर 4। हाँ आ गया बासित, आ गया मेरा बेटा, कहाँ है वो? कोई मिलने नहीं आया तुमसे, ये डॉक्टर साहब आए। अब कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मेरे बेटे से कह दो ना वो खुद आ जाएगा मुझे लेने के लिए, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। देखिए आपको लेने कोई नहीं आएगा अम्मा, यहाँ जो भी छोड़कर जाते हैं फिर वो लौटकर वापस नहीं आते, बेहतर ये होगा कि अब आप भी इंतजार करना छोड़ दें, खुद भी सुकून से रहें और स्टाफ को भी परेशान ना करें। आपको बाकी उम्र यहीं रहना है अम्मा। ये कैसे हो सकता है? मैं माँ हूँ बासित की, वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरी आंखों का नूर है, मुझे यहाँ इलाज के लिए लाया था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, इन्हें भी इनके बेटे छोड़कर गए और फिर लौटकर वापस नहीं आए, बहुत इंतजार किया इन लोगों ने, लेकिन अब देखिए इन सबको भी आखिर सबर आ ही गया ना, कुछ दिन यहाँ रहेंगी तो आपको भी यकीन हो जाएगा। ये क्या, आतिफ ने तो सिर्फ 6,000 भेजे हैं। ना शुक्रा पर मत किया करो, जो अल्लाह दे रहे हैं उस पर शुक्र अदा करो उसका, हजारों से बेहतर है हम, मुंह बना के ना बैठा करो। मुझे नसीहतें करने के बजाय आप अपने बेटे को कुछ क्यों नहीं कहते? सब इतना कमाते हैं कराची में, आतिफ वहां पर क्या कर रहा है? जितने पैसे वो यहाँ पर घर में देता था उतने ही पैसे वो वहां से भेज रहा है, तो फिर क्या फर्क हुआ वहां में और यहाँ में? उसके अपने खर्च नहीं है क्या वहां पर? खाना पीना रहना सहना बिजली पेट्रोल घर का किराया सब कुछ तो उसके सर पर है। तो फिर आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि खुद तो वो दिल खोल कर खर्च करता है लेकिन सारी कंजूसी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है? भोले भटके अगर कभी फोन कर भी देता है तो सिर्फ दो ही बातें होती है उसके पास करने, देखभाल कर खर्च करना और मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत कर। बस भाई मुझे तो माफी करो तुम, मुझे नहीं करवानी तुमसे कोई खिदमत विदमत, तुमने कभी अपने माँ बाप की कोई खिदमत की है या मेरी खिदमत करोगी? वो तो अरसला ही थी, मोहब्बत करने वाली, खिदमत गुजार, सारा बोझ उठाने वाली, तुम भला किस लायक? फाखाला मोहब्बत हो तो ऐसी, अरसला अभी तक आपके दिल से नहीं उतरी, क्यों? तो शुक्र है कि आतिफ को ये अकल आ गई कि उसने अरसला को ठुकरा दिया, वरना आपने ना।
अम्मा अम्मा, जिस काम के लिए गए थे वो करके आए हो कि नहीं? जाहिर है वो करके ही आऊंगा ना, बैग में काफी रश थे इसलिए देर हो गई। इस बार असला बजनी पैसे भी ज्यादा भेजे। जाहिर है तनख्वाह बढ़ गई होगी ना उसकी, तुम्हारी बात हुई उससे? बस थोड़ी सी देरी हुई थी, खैरियत पूछ रही थी और मेरी पढ़ाई का। मसरूफ रहती होगी ना, नाराज भी तो हो सकती। अम्मा आपको याद है जब मदरसे चाचा पहली बार अरसला बाजी को लेने के लिए आए थे, वो कितना रो रही थी, बार बार आप लोगों को फोन करती थी लेकिन आप लोग बात नहीं करते थे कि कहीं वो वापस आने की जिद ना करें। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, किसी ना किसी को तो काम करना था ना। लेकिन अब तो अब्बा वापस बुलाना चाहते थे ना, उनकी शादी करना चाहते थे। मुझे मिर्जा चाचा ने बताया कि वो उनके लिए लड़का भी देख रहे थे। बकवास करता है मिर्जा, वो कौन होता है अरसला के बारे में बात करने वाला? और अभी तो नईमा की शादी की कमेटियां बाकी है, कल जाके किस्तें जमा करवा दूंगी। और बात सुनो, बाहर जाके ना अरसला के बारे में किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बिजी हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जी। अम्मा दिखाओ, बड़ा पैसा आ गया है, जरा दिखाओ तो। तब पैसा मतलब बहुत अरसा हो गया ना, गिना नहीं है। आते भाई भेजती होंगे ना तुम्हें, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। आतिफ जितने पैसे भेजता है ना उसमें घर का सामान और बिल भरने के बाद कुछ गिनने के लिए बचता नहीं है। अरे तुम तो हमेशा की नाशुकरी हो और तंग दिल भी, तुमसे बात करने फजूल, इधर दो पैसे, हटो फट जाएंगे। हाँ हाँ, सारी बुराइयां मुझी में है, मैं ही किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि अरसला के पैसे ने सबका मुंह बंद कर रखा है। और वैसे भी तुम और अब्बा हमेशा से उसके चमचे थे, बेशरम। तौबा करो नईमा, मरे हुए बाप को तो बख्श दो, जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो, ना खुद चैन से जीती हो ना हमें चैन से जीने देती हो। अरे अब तो आतिफ भी कराची चला गया, अच्छी नौकरी कर रहा है। दफा करें इन सब बातों को अम्मा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आतिफ अरसला के चक्कर में कराची गया है। ये जो नौकरी और ये पैसा, ये सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ बहाना है। आ जाए। सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। क्यों आतिफ, बहुत हैरत हो रही है मुझे यहाँ देखते हुए। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ नौकरी कर रही हो। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में मुझे कहाँ होना चाहिए था आतिफ? किसी बदनाम मोहल्ले में, किसी नाच घर में, या फिर किसी निचले दर्जे के पेशे में रुस्वाई और जिल्लत समेटते हुए? प्लीज अरसला, प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था।
मगर तुम्हारे किसी मतलब से मेरा कोई मतलब नहीं है बात। जानती हूँ बहुत मायूसी हो रही है तुम्हें, मुझे जलील करने का, मेरे पे कीचड़ उछालने का एक और मौका तुम्हारे हाथ से चला गया। तुम्हारी घटिया ज़हनियत से और गंदी ज़बान से खुदा ने एक और दफा मुझे बचा दिया, इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ, अभी इसी वक्त। नहीं अर्चना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहां से। तुम्हें आज मेरी पूरी बात सुनना होगी। सारा कसूर मेरा नहीं था, मेरा नहीं था सारा कसूर अर्चना। तुमने मुझे एतबार के काबिल क्यों नहीं समझा? मदरसे चाचा जब तुम्हें पहली दफा लेके गए थे, तब से लेके अब तक तुमने मेरी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की अर्चना। मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा था, इस आग में जल रहा था मैं, तुमने मुझे उस तकलीफ से निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं निकाला मुझे? क्यों रहम नहीं किया तुमने मुझ पर? बताओ। रहम, यही कहा ना तुमने? कितना अजनबी सा लफ्ज है ना ये आतिफ, ऐसे जैसे किसी और जुबान का, और इसका मतलब देखने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत पड़े। रहम, रहम। आइंदा मेरे सामने ये लफ्ज कभी इस्तेमाल ना करना, क्योंकि मेरी जिंदगी में इसका कोई गुजर नहीं। सुन रहे हैं आप? तुम जानना चाहते थे ना कि इतना अरसा मैं कराची में क्या कर रही थी? तो सुनो, मैं वो कर रही थी जो इस मुल्क की हर खुददार और मेहनती औरत करती है, जो बदतरीन हालात में अपने खानदान की ढाल बन के खड़ी होती है, जो अपनी मेहनत से अपना रिज्क हलाल कमाती है, फिर चाहे वो किसी के घर की रोटी, बर्तन या सफाई करती हो, या फिर किसी बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर बैठी हो, अपने ऊपर उठने वाली लाखों उंगलियों से बेनियाज। अब पता चला आतिफ कि मैं कराची में क्या कर रही थी? अर्चना, मैं नहीं जान सका, कुछ नहीं देख सका मैं। मेरी बदनसीबी ने मुझे इजाजत ही नहीं थी कि मैं। बस बस आतिफ, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती अब। जाओ यहां से।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बता सकती हैं प्लीज जो भी साहब गए हैं किस सिलसिले में आए थे? सईद सन्स की तरफ से आए थे, इनकी कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में इन्हें भेजा था, हमने सिलसिला से मीटिंग थी। ओके, क्या ये पहले भी आ चुके हैं? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम आए थे। ओके, मैं मिस अर्सला को आपके आने की इत्तला दे दूं सर? नहीं, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, अचानक आकर आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया। अर्सला से मिले? नहीं, मैं एक्चुअली आपसे ही मिलने आया था। ओके, चले आए। जाकिर साहब, आज जिस कंपनी के साथ हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे उसको कैंसिल कर दे और ये बात उन्हें अभी फोन करके बता दे। जी से ज्यादा कोई औलाद और क्या कर सकती। इसे सच पूछो ना, बुढ़ापे में मां बाप सेल्फिश हो जाते, औलाद की मजबूरियों को समझने को तैयार ही नहीं होते। भाई देखिए, फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है जुबिया की शादी है। हमारी बच्ची ने बहुत दुख देखे हैं, अब मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियों के बीच में कोई भी चीज आए। देखे, जब तक ये काम ना हो जाए ना, बीजान इस घर में नहीं आ सकती, मैं कह रही हूं आपको। तुम उनकी फिक्र छोड़ो, बस तुम जूबी की एंगेजमेंट की तैयारी करो, धूमधाम से ये तकरीब होनी चाहिए। उसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये दिन आ गया है और ये काम होने जा रहा है। मेरी बच्ची तो कितनी मायूस हो गई थी शहराम से, आपको पता है मैं कितने आमलों के पास गई हूँ, इतना मैंने खर्चा किया है तभी जाके ये काम हुआ है, वरना अर्सला और बीजान कब जान छोड़ने वाली थी। हाँ, अर्सला से याद आया, वो माफी वाली बात शहराम ने दोबारा तो नहीं की? अरे भूल भाल गया होगा, और अगर उसे याद आ भी जाएगा तो चली जाऊंगी किसी एक दिन माफी मांगने के लिए और फिर लानत भेजूंगी अर्सला के मुख पर। शेल्टर होम वालों का फिर फोन आ रहा है। अरे वही रोना होगा बीजान का, आप फोन मत उठाएं, आप ऐसा करें साइलेंट पे कर दें। ये लो, मुंह खोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सारा दिन खड़े होके तुम्हें खाना खिलाती रहूं, और भी पेशेंट है मेरे पास, खोलो मुंह खोलो। क्या मुसीबत है? इतने नखरे कर रहे थे ना तो अपने घर बैठना था, यहाँ क्यों चली आई हो? मैनेजमेंट को बोल दो बेड नंबर 4 ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। फोन कर दे इसके बेटे को, बुला ले उसे। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर शाहराम, आज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रो कर गई है तो इसके पीछे तुम ही तो हो। तुम अगर हमें सपोर्ट नहीं करते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये सब काम कर पाते। यूं शर्मिंदा ना करें तहसीन, ये तो आपकी और अर्सला की मेहनत है, और वैसे भी मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अर्सला का इतना साथ दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अर्सला का साथ तो आज तक तुम देते आ रहे हो शाहराम, काश काश वो कभी जान सकती शाहराम,
कि तुम किस तरह दूर रहकर उसका साया बने हुए हो, किस तरह उसके रास्तों को आसान करते जा रहे हो बगैर किसी मतलब और बगैर किसी गर्ज के। काश मैं उसे खुश भी देख सकता। आज वो कामयाब जरूर है लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता था शाहराम अगर तुम उससे वो रिंग वापस ना लेते। नाम की ही सही लेकिन उसकी उम्मीद तो बरकरार रहती। मुझे वो रिंग बीच जान के जाते ही ले लेनी चाहिए थी अरसला से। बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी अरसला को उस रिंग की वजह से, पहले से कई ज्यादा। आप जानती है ना कि उसने वो रिंग सिर्फ बीजान की खातिर पहनी थी, वरना उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। ये वो खुद कह चुकी है। और वो जुबिया, क्या वो एक नया दुख नहीं है अरसला के लिए शाहराम? और अरसला के बाद क्या वो एक वही लड़की रह गई थी जमाने में? उसकी भी एक वजह है, खैर बताऊंगा आपको कभी। अभी मुझे एक जरूरी काम है तो मैं चलता हूं। खामोशी सह